भाई और बहनों, यहां से ये देवघर बाबा धाम बहुत दूर नहीं है। भोले बाबा की इस धरती से मैं नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत के आसाम सहित हर राज्य, हर जनजातीय समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं। आसाम सहित नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा को मान सम्मान देना, उसे संरक्षण देना, उसे और समृद्ध करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, मोदी सरकार की प्राथमिकता है। हम नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रीय दलों, वहां के स्थानीय संगठनों, कमेटियों, काउंसिलों के साथ मिलकर वहां के विकास के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के काम हो, हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, हेलीपैड हो, अस्पतालों का निर्माण हो, आधुनिकीकरण हो, शिक्षा से जुड़े अच्छे संस्थान हो, मोबाइल टावर लगाने का काम हो, यानी हर वो काम जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जिंदगी आसान बनाए, उसे हम अपना दायित्व समझकर, अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझकर पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। देश के जितने प्रधानमंत्री, सबके सब मिलकर के जितनी बार आसाम या नॉर्थ ईस्ट गए होंगे, उससे ज्यादा बार मैं अकेला गया हूं। भारत सरकार का हर मंत्री महीने में दो बार, कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाकर के रात्रि रुक मुकाम करके वहां की समस्याएं समझने की कोशिश लगातार 5 वर्ष करते रहे हैं। हम तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट समेत पूर्वी भारत को, जिसे कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था, हम उसे भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से नॉर्थ ईस्ट के, विशेष करके आसाम के अपने भाइयों बहनों को, वहां के युवा साथियों को अपील करता हूं कि आप अपने इस सेवक पर, अपने इस मोदी पर विश्वास रखिए। मैं नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों की किसी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति किसी पर आंच नहीं आने दूंगा। उनके हकों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उनके भविष्य को और निखारने के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उनके भविष्य के सामने कभी सवाल या निशान पैदा नहीं होने दूंगा। वहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार पूरी ताकत से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करेगी। मैं आग्रह करूंगा कि उनसे कि कांग्रेस और उनके साथियों के बहकावे में ना आए, किसी तरह के झूठ के जाल में न फंसे। खास करके मैं असम के मेरे नौजवान साथियों को, वहां के भाइयों को, बहनों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी उनके अधिकारों को नहीं छीन सकता है। उनके राजनीतिक हक, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनकी भाषा, इन सबको क्लॉज 6 के स्पिरिट के अनुसार पूरी तरह से सेफगार्ड किया जाएगा। हम सबको असम की संस्कृति पर बहुत गर्व है।